हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली के लिए खास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ठंडाई, और हम बनाएंगे ठंडाई सिरप, जिससे कि आप इजली 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अभी गर्मियों का सीजन भी बस स्टार्ट होने ही वाला है, और ऐसे में ठंडाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आज ठंडाई बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल, और बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि मार्केट से भी ज़्यादा ही अच्छी बनेगी, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं घर में, और घर में हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा प्योर, ज़्यादा शुद्ध बनती है। ठंडाई हमारे शरीर को तुरंत ही ठंडक देती है, और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम रेगुलर ड्रिंक्स पीते हैं उनसे फार फार बेटर ठंडाई होती है। होली फेस्टिवल पर कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे मेहमान आते हैं, अगर हम ऐसे में अपना थोड़ा सा काम पहले से करके रख लें तो होली फेस्टिवल का मज़ा ज़्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें डालेंगे लगभग 4 टेबलस्पून भर करके बादाम, और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून काजू। काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिस्ता, 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर इजली मिल जाते हैं, और साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून खसखस। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ जो है वो शरीर को काफी ठंडक देती है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 20 से 25 दाने काली मिर्च के, ठंडाई में एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 20 से 25 दाने हरी इलायची के, और अब हम इसे सोक करके रखेंगे करीब 2 घंटे के लिए। मैं इसे गर्म पानी में भिगो करके रख रही हूँ। अगर आप इसे नॉर्मल वाटर में सोक करते हैं तो आप इसे या तो ओवरनाइट सोक कर दीजिए, या फिर लगभग 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगो करके रख दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढक करके रख दूंगी करीब 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक ग्राइंडिंग जार में, क्योंकि हमें इसका बनाना है एकदम फाइन पेस्ट। तो चलिए मैं ले लेती हूँ एक ग्राइंडिंग जार, और सारे ड्राई फ्रूट्स को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स का पानी है हमें इसे भी फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाने के लिए। एकदम फाइन पेस्ट हम इसका रेडी कर लेंगे, और जब हम हाथ पर लेकर के देखेंगे तो ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा जैसे चिकना सा हो गया है, और अगर आपका पेस्ट थोड़ा दरदरा रह जाता है तो आप इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी की और ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और या फिर आप इसे छलनी से छान भी सकते हैं। अब इसका फ्लेवर और एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून गुलकंद। गुलकंद भी आपको किसी भी पान स्टोर पर ईजली मिल जाता है। अगर आपके पास गुलकंद अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह गुलाब के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेश गुलाब लीव्स या फिर जो ड्राई लीव्स मिलती हैं आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलकंद डालने के बाद मैंने एक बार मिक्सी को फिर से चला लिया है ताकि गुलकंद भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप इस पेस्ट को डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस आप लीजिए ठंडा दूध, उसमें चीनी मिक्स कीजिए और 1-2 टेबलस्पून इस पेस्ट की डाल दीजिए, आपकी ठंडाई रेडी हो जाएगी। बट हम ठंडाई को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप चीनी, और जिस कप से आपने चीनी को मेजर करा था उसी कप से आप 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ठंडाई का कलर एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कुछ केसर के धागे। केसर को मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो करके रख दिया था ताकि केसर अपना कलर रिलीज कर सके, और या फिर आप केसर को डायरेक्टली भी पानी में डाल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी केसर अपना जो कलर है वो अच्छा सा रिलीज कर देगी। ये जो हम ठंडाई सिरप बना रहे हैं आप इसका इस्तेमाल ठंडाई कुल्फी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी, और जो हमने ऑलरेडी पेस्ट बना करके रेडी करा था वो हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेस्ट जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे।
फ्रेंड्स, ये जो हम ठंडाई बना रहे हैं वो ये इतनी बढ़िया बनकर के तैयार होती है कि इसके सामने आपको बाजार वाली ठंडाई बिल्कुल ही फीकी लगेगी, क्योंकि बाजार वाले तो इतनी सारी चीजें डालते भी नहीं है। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे पका रहे हैं, और ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी डार्क हो गया है और ये हल्का सा थिक भी होना स्टार्ट हो चुका है। आते हुए मुझे लगभग 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है और एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, एकदम गाढ़ा हो गया है ये, और जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप एक स्पून ले लीजिए और ये देखिए स्पून की बैक साइड पर पूरी तरीके से इसकी कोटिंग हो रही है। अगर ये पतला होता तो तुरंत जो है वो चम्मच में से नीचे गिर जाता, लेकिन ये हमारा जो है एकदम सिर्फ परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी ऑफ और हम सिरप को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब सिरप ठंडा हो जाएगा तो हम उसे किसी भी कांच की बोतल में फिल करके रख सकते हैं। आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ठंडाई सिरप से हम ठंडाई कैसे तैयार करेंगे। आप ले लीजिए एक गिलास और गिलास में आप डाल दीजिए 1.5 से 2 टेबलस्पून ठंडाई सिरप का, जो अभी हमने बना करके तैयार किया है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिरप में चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो जब आप ठंडाई बनाए तो आप उस स्टेज पर थोड़ा सा चीनी की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है एकदम ठंडा दूध और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल दीजिए 2-3 आइस क्यूब्स। उसके बाद आप इसे डेकोरेट कर दीजिए थोड़े से पिस्ता के साथ और ड्राई रोज पेटल्स के साथ। अभी मेरे पास रोज पेटल्स नहीं है तो मैं सिर्फ पिस्ता के साथ इसे डेकोरेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये ठंडाई की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स करती रहती हूँ। साथ ही अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.vanitasmagickitchen.com पर विजिट कर सकते हैं। वनीताज मैजिक किचन की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।